हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। फॉर योर क्वेरीज ड्रॉप योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी वोल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन। ओके, सो वोल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन वेर योर कार्बोनिल ग्रुप दैट इज नथिंग बट अल्कोहल और सॉरी दैट इज नथिंग बट यूर कीटोन और अल्डीहाइड। ओके, सो कीटोन और अल्डीहाइड गेट कन्वर्टेड इंटू पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ NH2 एंड KOH दैट इज अल्कली। ओके, सो हाइड्राजिन एंड अल्कली विच कन्वर्ट्स योर कार्बोनिल ग्रुप इंटू हाइड्रोकार्बन। ओके, जनरली हम लोग जब रिडक्शन की बात करते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं, मतलब सेकेंडरी कीटोन गेट कन्वर्टेड इंटू सेकेंडरी अल्कोहल एंड योर एल्डिहाइड गेट कन्वर्टेड इंटू प्राइमरी अल्कोहल। बट कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स हैं जो या रिडक्शन रिएजेंट्स हैं जो तुम लोगों के कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने और एक रिएजेंट देखा है दैट इज नथिंग बट क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, वो भी क्या करता है, कार्बोनिल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। और यहाँ वोल्फ किशनर रिडक्शन में भी सेम होता है, योर कार्बोनिल ग्रुप गेट कन्वर्टेड इंटू हाइड्रोकार्बन। ओके, सो दिस इज टू स्टेप रिएक्शन एक्चुअली। इन फर्स्ट स्टेप योर हाइड्राजिन NH2 इज नथिंग बट हाइड्राजिन। ओके, सो RC OR- दैट इज कीटोन। इन फर्स्ट स्टेप दैट कीटोन गेट कन्वर्टेड इंटू हाइड्राजोन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH2, मतलब तुम लोगों का ये जो हाइड्रोजन है H2 और ये ऑक्सीजन H2O एलिमिनेट हो जाता है और हाइड्राजोन फॉर्म होता है। और हाइड्राजोन पे जब KOH अल्कली अटैक करता है तो हाइड्राजोन गेट कन्वर्टेड इंटू हाइड्रोकार्बन। ओके, सो विल स्टार्ट विथ अवर मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म कौन स्टार्ट करेगा, NH2, दैट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। सो RC OR- इन प्रेजेंस ऑफ योर हाइड्राजिन, मैं हाइड्राजिन ऐसे लिखती हूँ, प्लस H2N NH2। सो दिस ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजन माइनस H2, वेयर वी गेट हाइड्राजोन। दिस इज योर हाइड्राजोन स्पेसिस। ओके, हाइड्राजोन स्पेसिस कैसे रहते हैं, देखो RC OR- डबल बॉन्ड NNH2। ओके, सो यहाँ तुम लोगों का हाइड्राजिन का काम खत्म हुआ और हमें हाइड्राजोन मिला। अब हम लोग अल्कली का अटैक करेंगे। ओके, हमें फॉर्म क्या करना है, हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन पे हाइड्रोजन लाना है। तो कार्बन को पहले कार्बेनियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमारा कार्बन कार्बेनियन हो जाता है, मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसके बाद हम लोग उसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, बट उसको पहले कार्बेनियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना है देखो यहाँ पे। सो हमारे पास क्या है, अल्कली है, दैट इज नथिंग बट OH-। ओके, OH-, यहाँ देखो OH- कहाँ अटैक करने के चांसेस है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है H+, नाइट्रोजन वाला जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन OH ले लेगा। ओके, या मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिखती हूँ तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, तो ये OH ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया। ओके, इस हाइड्रोजन पे अटैक किया अगर OH ने, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, मतलब तुम लोगों का नाइट्रोजन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, एलिमिनेट क्या हुआ, H2O। ठीक से देखो, हाँ, क्योंकि ये स्टेप हम लोग दो बार रिपीट करने वाले हैं। OH ने अटैक किया कौन से हाइड्रोजन पे, नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे अटैक किया और एलिमिनेट क्या हुआ, H2O। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, मतलब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया। ओके, सो व्हाट इज आवर स्पेसिस, RC OR- डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया। ओके, एंड हाइड्रोजन, अब नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो अपना कार्बन जो है वो नेगेटिव हुआ। ओके, सो द स्पेसिस बिकम RC OR- कार्बन नेगेटिव हुआ, क्योंकि ये जो नेगेटिव नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट हुआ कार्बन पे। सो N, यहाँ डबल बॉन्ड N और एक H। ओके, हमने जो H2O एलिमिनेट किया था उस H2O को फिर से डालो। ऐसे लिखा मैंने H2O। अब ये जो तुम लोगों का कार्बेनियन है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा और OH- हो जाएगा।
okay? So the species become R, C, R dash. यहाँ क्या है, इस C ने किस पे अटैक किया, हाइड्रोजन पे, सो इट बिकम्स सी एच. ओके, रिमेनिंग पार्ट इज सेम, N डबल बॉन्ड N H. ओके, मतलब हमारा एक हाइड्रोजन आया, हमें दो हाइड्रोजन चाहिए, आर सी एच टू आर डैच बनाने हैं हमें. तो फिर से हम उसी स्टेप को रिपीट करेंगे, अल्कली डालेंगे, अल्कली इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, तो जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लिखने से समझ में आएगा तुम लोगों को. सो हमने फिर से अल्कली डाला, OH माइनस, ये OH माइनस किस पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन अगर बाहर निकलता है, ये OH का अटैक हुआ ऐसे कंसिडर करो, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो नाइट्रोजन फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. सो व्हाट इज अवर स्पेसिस नाउ, आर सी एच आर डैश एन डबल बॉन्ड एन, बट दिस एन इज नेगेटिव. ओके, ये नेगेटिव हुआ और एलिमिनेट क्या हुआ, वो हाइड्रोजन और ये OH माइनस H2O. ओके, अब ये जो बॉन्ड है शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ देखो. सो नेक्स्ट स्टेप में तुम लोगों का क्या एलिमिनेट हो रहा है, देखो N2 माइनस N2, N2 एलिमिनेट हुआ और तुम लोगों का ये RCH माइनस हुआ, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ इसलिए, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और CH माइनस हो गया. सो व्हाट इज अवर स्पेसिस नाउ, आर सी एच माइनस आर डैश. ओके, हमने जो H2O बाहर निकाला था उस H2O को फिर से डालो, HOH. सो ये जो तुम लोगों का कार्बेनियन है इस हाइड्रोजन को ले लेगा और माइनस OH माइनस हो जाएगा, मतलब जो अल्कली हमने स्टार्टिंग में डाला था फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप में OH माइनस, वो एंड में बाहर निकला. देखो हमने उसी अल्कली का H2O कंटिन्यूस यूज़ किया है. ओके, सो नाउ योर स्पेसिस बिकम आर सी एच टू आर डैश, मतलब हमने सेम स्टेप दो बार रिपीट किया है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन थे. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, O और H2, हाइड्राजीन का एक H2 और कार्बोनिल का ऑक्सीजन एलिमिनेट हुआ, दैट इज H2O, और हमें हाइड्राजोन स्पेसिस मिली. हाइड्राजोन स्पेसिस मिलने के बाद हमने OH का अटैक किया, OH ने किसको निकाला, एक हाइड्रोजन को, तो नाइट्रोजन क्या हुआ, नेगेटिव. हमें नेगेटिव कौन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए क्या, नहीं, हमें कार्बन नेगेटिव चाहिए, इसलिए हमने नाइट्रोजन का चार्ज शिफ्ट किया कार्बन पे. कार्बन जैसे ही नेगेटिव होता है, हम लोग जो H2O बाहर निकाले थे उसको फिर से ऐड करेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, सो इट बिकम CH. सेम स्टेप हम फिर से रिपीट करेंगे, फिर से हम लोग अल्कली डालेंगे OH माइनस, इस अल्कली का जो OH है वो इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, नाइट्रोजन नेगेटिव हो जाएगा. हमें नाइट्रोजन नेगेटिव चाहिए क्या, नहीं, हमें कार्बन नेगेटिव चाहिए, तो चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन नेगेटिव हो जाएगा. कार्बन जैसे ही नेगेटिव होता है, यहाँ नाइट्रोजन N2 गैस निकल जाता है, कार्बन नेगेटिव होता है, हम लोग फिर से वाटर का अटैक करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये CH माइनस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और अल्कली बाहर निकल जाएगा, एंड वी गेट अवर प्रोडक्ट दैट इज नथिंग बट हाइड्रोकार्बन. सो यूर CH डबल बॉन्ड O गेट कन्वर्टेड इनटू CH2. ओके, ये इजी मैकेनिज्म है, 4-5 स्टेप्स का है, बट 3 स्टेप्स, 1, 2 and 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स को फिर से रिपीट करना है, इसलिए वो बड़ा दिखता है. एक बार हाइड्रोजन निकालो, फिर उसका कार्बेनियन में कन्वर्ट करो, कार्बेनियन जैसे ही होता है वाटर डालो, ये स्टेप्स रिपीट करने हैं. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट योर वोल्फ किशनर रिडक्शन मैकेनिज्म. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वोल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन. ओके, द फर्स्ट एग्जांपल, सो इन वोल्फ किशनर रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन ग्रुप. ओके, सो हियर इज अवर कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज कीटोनिक ग्रुप, सो सी डबल बॉन्ड ओ गेट कन्वर्टेड इनटू CH2, रिमेनिंग पोर्शन इज सेम. ओके, सो व्हाट इज अवर प्रोडक्ट, कन्वर्ट दैट सी डबल बॉन्ड ओ इनटू CH2, दैट्स इट, रिमेनिंग पार्ट इज सेम, सो दिस इज अवर प्रोडक्ट. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नथिंग बट अवर अल्डिहाइड. ओके, अल्डिहाइड पे इफेक्ट करेगा वोल्फ किशनर रिडक्शन, सो CHO गेट कन्वर्टेड इनटू CH3. ओके, अगेन नेक्स्ट, दैट इज NH2, H2O, NaOH, KOH. यहाँ KOH यूज हुआ है, यहाँ NaOH यूज हुआ है, दैट इज अल्कली, कोई भी अल्कली चल सकता है, KOH भी चल सकता है, NaOH भी चल सकता है. ओके, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है. सो NH2, NaOH इज नथिंग बट यूर
वोल्फ किशना रिडक्शन रिएक्शन। सो यहाँ देखो ब्रोमीन भी फंक्शनल ग्रुप है बट वी अफेक्ट कहाँ करेगा, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप पे। ओके सो दैट सी डबल बॉन्ड ओ बिकम सी एच टू, रिमेनिंग पोर्शन इज सेम। ओके सो दैट इज ऑल अबाउट यूर वोल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन। ओके थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।